क्या कर रहे हो? भिंडी धो रहे? भिंडी की सब्जी बनेगी कि चटनी? हाँ, भुजिया बनाना है। दिखाओ तो कितना है, देखो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा क्वांटिटी है तो अच्छा बन जाएगा, इसमें सब्जी भी बन जाएगा। और वो क्या बोलते हैं, क्या खाते हो आप लोग बंगाली लोग? चचरी। चचरी हाँ, और भुजिया भी बन जाएगा अगर बनाना चाहे तो। देखिए हमारी भिंडी की खेती कितने अच्छे से हुई है, और ये सदाबहार फूल कितने अच्छे से खिला हुआ है फ्रेंड्स, देख सकते हो। और कलियाँ भी दी हुई है बहुत सारी, वो दो चार दिन के अंदर भी खिल लेगा तो बहुत सुंदर दिखेगा। आप देख सकते हो कितना भरा भरा हुआ है, ये बारिश के मौसम में ऐसा ही बहुत सुंदर से खिलता है ये, और पूरा भर के कलियाँ आती हैं इसमें। और ये पराजिता है, ये भी सुंदर सुंदर से खिला हुआ है, ब्लू ब्लू फूल। तो अभी मेरा पूजा पाठ हुआ नहीं है, तो अब थोड़ी देर में पूजा पाठ करेंगे। तो गाइस शाम का समय है, हम आए हैं अपने जलढाका ब्रिज में। देख सकते हो कि बारिश का मौसम है और यहाँ का जल का जो स्तर है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लेवल कम था पानी का, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर पानी गिरते रहता है। ये देखिए हमारा जलढाका ब्रिज, शाम का समय है, सूरज ढलने वाले हैं, जैसे कि वो पूरे मतलब अभी ढलने वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा था, अभी फ़िलहाल घट गया है, जैसे कि शाम होने वाला है। तो हम आ चुके हैं अपने जलढाका ब्रिज में। फ्रेंड्स इतनी यहाँ की सुंदरता है कि यहाँ तो रोज़ आने का मन करता है, मगर हम आ नहीं पाते हैं। तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि घर के आजू बाजू ही घूम के देखो, कितना सुंदर है हमारा परिवेश, हमारा पर्यावरण। लेकिन हम चले जाते हैं बहुत दूर, दूर जाने के हमेशा सोचते हैं, मगर कभी अपने घर के आसपास में मतलब घूमने की कोशिश नहीं किए, उसे इतने नज़दीक से देखे नहीं कि उसकी सुंदरता, उस प्रकृति, उस नेचर की कितनी ज़्यादा सुंदरता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, सेम उसी तरह से यहाँ का नेचर बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक तरफ जंगल है, दूसरी तरफ हमारा जलढाका ब्रिज है, जो कि अभी पानी का स्तर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से कल कल करके बह रहा है पानी, और बहुत ही मनमोहक दृश्य है हमारे जलढाका का। ये दूसरे छोर वाले जगह भी देख सकते हो आप, ये ब्रिज के साइड वाली जगह है, यहाँ पर भी नदी बहुत अच्छे से बह रही है। और ये जो आप साइड में देख रहे हो जंगल है, बहुत ही घना जंगल है फ्रेंड्स, तो ये जंगल का किनारा है। और ये रास्ता है, जैसे कि शाम ढल गया है तो छोटी छोटी गाड़ियाँ मतलब बाइक ये सब तो कम चलती है, और बड़ी गाड़ियाँ चलती है फिर शाम होने के बाद, क्योंकि ये जंगल का एरिया है, यहाँ से आना जाना थोड़ा कम हो जाता है शाम होने के बाद। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बस आ रही है, तो इस तरह की गाड़ियाँ आती है जाती है, लेकिन जैसे कि स्कूटी हुआ, बाइक हुआ, दोपहिया वाहन, ये थोड़ा कम हो जाता है शाम होने के बाद। गाइस यहाँ से मतलब मुझे दिखाई दे रहा है बहुत छोटे से आकार में मोर है, जो नदी के किनारे में है। शायद मेरा मोबाइल कैप्चर नहीं कर पा रहा है उसे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया ये बहुत घना जंगल है, तो यहाँ से तो बहुत सारे जानवर वैसे भी गुजरते रहते हैं, जैसे कि अभी शाम है तो मोर वगैरह भी आते हैं यहाँ पर, और दिखते भी हैं बहुत सारे झुंड में, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है मगर मेरा मोबाइल कैप्चर नहीं कर पा रहा है उसे। तो ये जैसे कि नदी बह रही है, नदी के एक छोर में मोर भी बैठा हुआ है, कुछ हलचल हो रही है वहाँ पे, तो देख सकते हो। मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, और बीच बीच में मतलब यहाँ पर पानी पीने के लिए साइड में हिरन वगैरह भी आते हैं, तो आज तो नहीं आ रहे हैं, मगर हम लोग बहुत सोच कर आए थे कि हम लोग को देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है अभी, देखना मतलब देखने को नहीं मिला, लेकिन इससे पहले मैंने देखा हुआ है एक दो बार। तो यहीं से हमारे महाकाल बाबा जी भी ऐसे गांव बस्ती में प्रवेश करते हैं, जैसे कि जंगल है साइड में आते हैं पानी पीने, फिर उनका मूड होता है तो वो अंदर की ओर ऐसे मतलब पूरा ये लांघते हुए, नदी को लांघते हुए इस तरह से, ये दूसरी नदी आ गई, और इस तरह से करते हुए वो
हाईवे है, हाईवे को पार करते हुए जो उधर ग्रामीण बस्तियां हैं उसमें चले जाते हैं, और इसी तरह से फिर वो देख सकते हो गांव के पीछे पीछे होकर फिर जो नदी आती है उसमें से उसे पार करके वो इस जंगल में आ जाते हैं। तो ऐसा है, रात में ही आते हैं ऐसे तो महाकाल बाबा। तो अभी शाम का समय है, अभी वेदर फिलहाल बहुत अच्छा हो रहा है। अभी जैसे कि मैंने बताया इतना ज़्यादा धूप खिला हुआ है और अभी थोड़ा मौसम नरम हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, मतलब थोड़ा हवा बह रहा है। तो यही है, घूम रहे हैं बस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जलढका का जो लास्ट छोर है जंगल की तरफ, उधर आ चुके हैं लास्ट छोर में। और यहाँ से देख सकते हो आप, जो पीछे थोड़ा धुंधला दिख रहा है, जो पहाड़ी सब जो दिख रहा है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से तो फिलहाल धुंधली ही दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा तो जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हम लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, बंगाल भूटान बॉर्डर है ये। तो हमारे बंगाल से भूटान का जो ये पहाड़ी जो जगह है वो पूरा दिखाई देता है। और जैसे कि अभी शाम है, तो जैसे कि रात होता है तो पूरा लाइट वाइट जलती है, तो यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो कि अब कुछ देर में दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब पास है ये पहाड़, जैसे कि अभी लाइट नहीं जली हुई है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लाइट जलने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा ये। और ये देखिए, अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं फिर वापस, शाम हो चुकी है, हो रही है। और ये देखिए क्या कलकलाती हुई नदियाँ बह रही है, एक तरफ पानी थोड़ा कम है, दूसरी तरफ कितना ज़्यादा पानी बह रहा है, और मौसम भी बहुत ठंडा हो चुका है। तो हम फिर मिलेंगे जलढका मतलब ब्रिज पर आएंगे फिर अगले दूसरे तीसरे चौथे दिन, जब हमें टाइम मिलेगा तब। आज तो बस इतनी देर ही रहना था यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड, ये पानी कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत मतलब ये दिख रहा है ऐसा कि यहाँ पर गहरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ अभी तो पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन जब लेवल कम था तो बहुत गड्ढा था यहाँ पे, जो कि अभी समतल की तरफ से दिखाई दे रहा है, जैसा लग रहा है कि समतल होके पानी बह रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर गड्ढा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से कोई आर पार भी नहीं होता है उसी गड्ढे की वजह से। तो चलिए हम मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।